बेटा मुझे ये बताइए सादिया साहिबा, ख्वाबों की तबीर के हवाले से अक्सर ख्वाबों में इशारे भी आते हैं। अगर हम बात करें कि ख्वाबों में अगर आप मुर्दा देखें या किसी को कफन में देखें या कोई मर चुका है तो उसको बाबर आप देखें कि वो आपसे बातें कर रहे हैं या आपसे वो कोई चीज ले रहा है या आपको कोई मुर्दा कोई चीज दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, और क्यों आते हैं? एक तो अगर हम अपने किसी बुजुर्ग को बहुत याद भी करें तो आता है। आमतौर पर ना जो जिंदा लोग होते हैं अगर आप उनको मुर्दा हालत में ख्वाब में देखते हैं तो एक तो सदका ज़रूर निकालें अगर याद रह गया है, दूसरा वो उसकी ज़िंदगी के बढ़ने की, आमतौर पर ख्वाब में काफ़ी चीज़ें ऑपोजिट भी होती हैं, वो उसकी ज़िंदगी के बढ़ने की निशानदेही होती है। अब जैसे ख्वाब में बहुत ज़्यादा सोने जवाहरात देखना ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती है, बल्कि और लेकिन ख्वाब में पानी देखना और पानी बहुत तब अच्छी वो मतलब ख्वाब में अगर आप पानी देख रहे हैं, पानी में छलांग मार रहे हैं, हाँ, या पानी आपके आपको अगर कोई नुकसान नहीं पानी पहुंचा रहा, अगर आप चल के जा रहे हैं, क्या मतलब? तो पानी जो है ना वो रहमत है। ठीक, पानी जो है वो नेमत है, इसलिए उसका उस तरह ही इफेक्ट होता है। अच्छा, बाज़ लोग ना बहुत ज्यादा कब्रिस्तान, उजड़ी हुई कब्रें और इस तरह की चीजें देखते हैं। पानी का मैं पूछना चाहूंगी आपसे, इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे। पानी अगर साफ है तो उसका भी क्या मतलब होता है? अगर गंदा पानी हो या कोई नाले का पानी आप देख रहे हैं या कोई गंदा गलीज पानी है, आपकी जिंदगी में एक साफ पानी जो है ना वो जिंदगी की अलामत है, नेमत है और रहमत है। मतलब वो आपके लिए आगे जिंदगी में रहमतें बरकतें और बिल्कुल, और वो आपकी देखे ना पानी आपकी गलाजत को भी दूर करता है। आपकी पाकिजगी अख्तियार करने के लिए आपको पानी से गुसल या वजू करना होता है। इसी तरह जैसे जो गंदा पानी है वो अपने अंदर जो, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं पाकिजगी की कमी है या कोई चीज़ जो गंदी नापाक चीज़ है वो आपकी तरफ मतवज्जा है और आपको उससे बचना है, या कोई बुराई है या हाँ, परेशानी है, परेशानी है, कोई शैतानी चीज़ हो सकती है, कोई नज़र हसद हो सकती है, ये चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। अब आपने मुझे ये भी बताना है कि अगर ख्वाब में सांप नज़र आते हैं, सांप नजर आए या कोई और जानवर नजर आए जहरीला किस्म का बार बार नजर आए, देखिए जो चीज़ें जिंदगी में भी आपके लिए नुकसान, आम हालत में भी नुकसानदेह है, वो ख्वाब में नजर आना भी वो इंडिकेशन है कि सांप दुश्मन की निशानदेही करता। आपको छिपकलियाँ ये दुश्मन और ये जन्नात की तरफ भी, काले मकोड़े ये सब जो है ना ये जन्नाती हैं, कुत्तों का भोंकना और ये शैतानी चीज़ें, कोई काला जादू या कोई ऐसे इसका मतलब की तरफ भी इशारा है। आप अपने इर्द गिर्द से अवेयर रहें, आपके दुश्मन आपके इर्द गिर्द है, आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मतलब अगर अगर आपको सांप ने काट लिया है या ऐसा कुछ नुकसान दे दिया है तो इट्स मीन अल्लाह ना करे कोई नुकसान का अंदेशा है, जो आपको अपने किसी ऐसे इंसान से जो आपकी दुश्मनी में है वो किसी भी थ्रू आपको दे सकता है। तो ऐसी ख्वाबों उठते ही सबसे पहले अपना सदका खैरात करें अल्लाह की राह पे। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं, हम अक्सर शेर भी देखते हैं, बब्बर शेर भी बाज़ लोग बहुत देखते हैं। अच्छा, वो पॉलिटिकल शेर नहीं, असल वाला शेर। अच्छा, अगर सफ़ेद शेर देखें और वो आपको कुछ नहीं कह रहा, आराम से बैठा है, अच्छा ये बुजुर्गाने दीन की तरफ भी इशारा होता है। समटाइम हम कोई मन्नतें मुरादें मानकर भूल जाते हैं, उसको भी निशानदेही होती है कि आप अपनी चीज़ें भूल चुके हैं जो आप मुश्किल वक्त में कर लेते हैं। अब इतने नवाफिल अदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बेस्ट तरीका तो वैसे नवाफिल ही है, और लेकिन उन्हीं को मांगना चाहिए। और हम अगर अपना कुछ ऐसी, हमने किसी दरगाह पे जाने की मन्नत मांगी थी, वहाँ पे कुछ अल्लाह की राह में देने की, और हम भूल जाएँ तो उसकी याद दहानी के लिए भी शेर की शक्ल में आते हैं। मुझे ये भी बताइएगा, जब शादी की बात करते हैं ख्वाब के हवाले से, कि ख्वाब में अगर आप अपनी खुद की शादी देखें तो कहा जाता है कि अच्छा नहीं है, अब इसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं ये भी बताइएगा। और किसी और की अगर आप शादी देखते हैं या किसी और शादीशुदा इंसान को आप देखते हैं कि वो शादी कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी बताइए। देखिए, शादी ज़्यादातर अच्छी अलामत नहीं है। हवाई सफ़र देखना, क्या वो जहाज़ पर उड़ के जा रहा है, ये देखना, शादी का देखना, और ये आपकी सेहत को मसाइल आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को लाहक चीज़ें जो ख़तरे का बाइस बन सकती हैं वो हो सकता है। इसलिए इसमें जब आप ऐसा देखें तो उसको बताएं ना कि
क्योंकि जब अब बताते नहीं है ना, जैसे मैंने कहा लेफ्ट साइड पे तीन बार हॉल पढ़ के, फिर उस ख्वाब अच्छी हुई है, मतलब अच्छी तो अफेक्ट करती ही करती है, लेकिन उस बुराई आप तक पहुंचती नहीं, वो उसका असर खत्म जायल हो जाता है। लेकिन जब हम ढंडोरा पीटते एकदम, आपने मेरी ख्वाब सुनी और आपने कहा हाँ ये ख्वाब तो का तो मतलब सब अपने ये मतलब बताएंगे इसके। अब वो फिर वो मतलब जो है वो आपकी जिंदगी पे उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। ठीक ठीक। तो इसलिए ये बड़ा टची सा सब्जेक्ट है जिसको हम बहुत ईजी लेते हैं, और मुझे खुशी है कि आपने आज ये सब्जेक्ट चूज किया, क्योंकि हम अक्सर लोग हम बस किसी से भी वो किताबों में भी पढ़कर शुरू हो जाते हैं कि इसमें ख्वाब का मतलब ये लिखा और ऐसे है। नहीं देखना चाहिए, बल्कि आप किसी के साथ अपना ख्वाब शेयर भी ना करें। और अगर आप कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको बेचैन कर रही है, परेशान, सबसे पहले वो शख्स आपका बहुत खैर ख्वाह होना चाहिए, हमदर्द। अच्छा, और उस सुनने वाले को भी फ़र्ज है कि वो जब आपका ख्वाब सुने तो वो कहे माशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन करेगा आपके हक में, अल्लाह ताला इस ख्वाब का बेहतरीन जो है ना आपके हक में वो करे उसका फ़ैसला, या आपके हक में लिखे। और जैसे अब हम मैं बल्कि याद नहीं रहेगा, मैं बता दूं, अब ख्वाब में काली भैंस देखना ये इतनी खुली इंडिकेशन है कि कोई बीमारी आपकी तरफ आ रही है, बीमारी से बचने का बचाओ और बीमार होने जा रहे हैं आप। ठीक तो इसलिए भी इसका भी सदका खैरात बहुत करना चाहिए अगर इस तरह की चीज़ें देखें। लेकिन सब सदका उसकी ताबीर बताने वाले की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो, और दूसरा ये कोशिश ये करें कि ख्वाबों के मायने या मतलब जिससे भी पूछें, अव्वल तो जो साहिब इल्म होते हैं वो रात को आपको ना ख्वाब सुनते हैं ना मतलब बताते हैं, वो कोशिश होती है कि जोहर और असर से पहले ही आप उनको ख्वाब सुनाएं, और वो एकदम से कभी नहीं कहते ये तो बड़ी बुरी ख्वाब है या ऐसा हो जाएगा, वो हमेशा से कहते हैं अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह इसमें रहमत, और आपको सदका या खैरात का जो भी है, लेकिन आपको एकदम से नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपके हवाले से बिल्कुल ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बात बताइएगा मुझे, जब जिन्नात की बात करते हैं, जिनके घरों में जिन्नात बसेरा या साया हो, तो क्या उन लोगों को भी, वहाँ पे बसने वाले लोगों को भी ख्वाब आते हैं, या ख्वाब में जिन्नात का भी कोई इशारा होता है, या जिन्नात तंग करते हैं ख्वाब में आकर, कितनी हकीकत है, कितना रिलेशन है, ये बताइए। अच्छा, इस तरह के बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, कोई ऐसा वाकया है तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ जी, मेरा ऐसा वास्ता पड़ा कि जिन्हें ना इंडिकेशन होती थी। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी ऐसे ही मेरी प्रोग्राम वगैरह देखकर एक मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई, एक लड़की की, यंग खातून थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर में कुछ मसले मसाइल हैं और मेरे पेरेंट्स हैं वो बड़े परेशान हैं, तो वो मुझे ना ख्वाब में इस तरह, मुझे ख्वाब भी आते हैं कुछ। अच्छा, उन्होंने मुझे डिटेल नहीं अभी बताई। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चले, मैं कहती हूँ आप इस मेरे घर एक दफ़ा आ जाएंगे, वो मैंने कहा मैं लाहौर रहती हूँ और इस्लामाबाद आना, मैं कहा वैसे मैं तब सिटिंग MPA थी तो कभी हमारी कॉन्फ्रेंसेस ये वो होती रहती थी, मैं कहा अच्छा अब मैं जब इस्लामाबाद आऊँगी ना तो आपकी तरफ ज़रूर आऊँगी। पता नहीं उसकी कितनी सच्ची लगन थी क्या था, अब ये कि मैं दो दिन बाद मेरी एक कॉन्फ्रेंस आ गई और मैं जाके होटल में चेक इन हुई हूँ, पहला फ़ोन ही मुझे उसका आ गया कि आप किधर हैं, मैं बस मुझे आप बड़ी याद आ रही हैं, मैं हंस के कहा, मैंने कहा कोई बड़ी आपकी दुआ में असर है, मैं अभी भी इस्लामाबाद पहुँची और मैं जस्ट चेक इन। तो उसने कहा आप अगर माइंड ना करें मैं आपको लेने आ रही हूँ और आप खाना मेरी तरफ खाएं रात का। मैंने कहा बहन आप किन तकल्लुफ़ों में पड़ गई, मैंने कहा नहीं मैं बहुत परेशान हूँ और अल्लाह आपको लेके आया मेरे लिए जो है ना, मैं आपको लेने आ रही हूँ। उन्होंने होटल शोटल का नाम पूछा, और बल्कि मैं मेरे कुलीग MNA MPS कुछ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने बात की कि मुझे ऐसा, उन्होंने कहा तुमने पहले कभी देखी हो मिला हुआ, मैंने कहा नहीं फ़ोन पे ही बात हुई थी, कहते तुम रैंडमली उठा के किसी बिल्कुल स्ट्रेंजर के साथ आप जा रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, हम पॉलिटिकल लोग हैं कुछ भी हो सकता। बहरहाल मैंने कहा यार वो परेशान है कोई, मैं क्या अल्लाह अल्लाह मालिक है। बहरहाल वो मेरे मुझे मेरी उस खातून को तो नहीं पता, लेकिन मेरे दो कोलीग्स गाड़ी में काफ़ी टाइम तक, वो खुद लड़की लेने आई और उसका बेटा साथ था, बच्चा था 15-16 साल का। बहरहाल उनके घर में गई, बहुत अच्छी फैमिली थी, वो खुद डॉक्टर मतलब उसके पेरेंट्स फादर डॉक्टर थे, मदर भी बहुत अच्छी। और मैं घर में ना जब उनके गई, उनके घर के सामने एक प्लॉट था जो उन्हीं का था, उस पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। अच्छा, मैं इत्तफाक से, अभी मुझे पता नहीं था, मैंने जब गाड़ी जैसी रोकी ना
मेरे राइट साइड पे वो था, मेरी नज़र खसूसन उस दरख्त पे गई। वो दरख्त जो है ना वो आधा कटा हुआ था। अब मुझे ये फील हुआ कि ये दरख्त जो था ना, ये दरख्त कटने वाला नहीं था और ये कटा है, कोई मसले में आया हुआ है और मे बी इनके घर के सामने है। मैं अंदर गई, वो जब उन्होंने मुझे कहा कि हम बड़े परेशान हैं, मैंने कहा ये सामने वाला प्लॉट किसका है? उन्होंने कहा हमारा है। तो मैंने कहा ये दरख्त बीच में है, ये किसी ने काटा हुआ है? मैंने कहा जी हम घर बनाना चाह रहे थे, ये हमने सिर्फ इसीलिए लिया था कि हम सामने घर बना लें, लेकिन वो दरख्त जब से कटा है और मुझे अच्छा मैंने अच्छा अब मैंने जो वहाँ पे देखा ना, जो हुलिया और जो जिनको मैंने उसको कहा, आप कहते हैं मुझे ख्वाबें आ रही हैं। अब यकीन माने ख्वाब में उसने अक्सर जो देख रही थी ना, एक टॉल सी लंबी औरत जिसके लंबे काले बाल और इस तरह, और वो एंग्री है और गुस्से में इनके घर में फिर रही है, फिर इनके घर में वाक़यात होना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हुए। तो मैं एग्जैक्ट वही देख कर आई थी जो उसने ख्वाब में उसको इंडिकेशन आ रही थी। उसको ख्वाब में जन्नात वो चीज़ आके बता रही थी कि वी आर एंग्री, तुम लोगों ने हमारा ठिकाना किया। बहरहाल फिर मैंने इनको बताया कुछ सदका करने के लिए, वहाँ जाके बात जो जो भी हो सकता था किया, लेकिन ख्वाब में उसको बहुत दिनों से कि जिन्नात आपको ख्वाब के जरिए आपसे बातें करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो चाहें कि आप तक अप्रोच करने का कोई तरीका। देखे आम इंसान हर कोई नहीं जिनको देख सकता,